Metro. Oh, Shanti pakad lo. I'm the best man. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face in the back, like I'm taking a slap. तो दोस्तों एक और जबरदस्त वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं, क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं कोडेक M11 माइक से बोया M1 माइक को। तो गाइस सारी डिटेल्स आपको साउंड टेस्ट, क्लियरिटी टेस्ट, नॉइस टेस्ट आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो मेक श्योर अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी जबरदस्त डेली वीडियोस आपको मिलती रहे। गाइस अगर बात कर लें इन दोनों के प्राइस की, तो गाइस बोया आपको मिल जाता है 600 से 1000 के बीच में, और गाइस कोडेक मिल जाता है आपको 1200 से 2000 के बीच के अंदर। गाइस जो इनका प्राइस है वो बहुत ज्यादा वैरी करता रहता है, दैट्स व्हाई मैंने आपको इसके अंदर रेंज बता दी है। और गाइस बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए बड़ा भाई है, क्योंकि 2000 रुपए के आसपास का मिल जाता है। गाइस अगर बॉक्स कॉन्टेंट की बात कर लेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पाउच क्वालिटी। लुक एट दिस गाइस, दोनों के पाउच एक साथ अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, दोनों की क्वालिटी अच्छी है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट बात कर लें बॉक्स कंटेंट की, तो गाइस बोया में हमें मिल जाता है ये अडैप्टर यहाँ पे, कि आप माइक लगा के आप इसे आगे इनपुट दे सकते हैं। कोडेक में हमें मिल जाता है अडैप्टर जो कि हम मोबाइल के लिए यूज कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट हमें मिल जाती है कोडेक के अंदर विंडशील्ड, जो कि हमें बोया में देखने के लिए नहीं मिलती है। सो गाइस बोया में हमें एक चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो है इसका अडैप्टर। और गाइस आप देख सकते हैं इस बोया के अंदर हम इसको स्विच कर सकते हैं। अगर आप DSLR में यूज कर रहे हैं तो इसको DSLR में लगा सकते हैं, और अगर आप स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं तो इसे स्मार्टफोन में कर सकते हैं। बट गाइज इसको मैं डिसएडवांटेज मानता हूं, बिकॉज इसके अंदर गाइज एक सेल लगता है। अगर बाय चांस अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो सेल खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई इंडिकेटर मिलता नहीं है कि इसकी बैटरी लो है या नहीं, तो गाइज अगर वो सेल खत्म हो जाता है तो गाइज जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, या तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, और गाइज रिकॉर्ड होगी तो गाइज वो इतनी ब्लंट साउंड होगी कि आपकी जो वीडियो है वो पूरी खराब हो जाएगी, आपकी जितनी भी मेहनत करी है आपने वो सारी बेकार हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई मैं इसे एक डिसएडवांटेज मानता हूं। और गाइस ऑन द अदर साइड कोडेक में आपको एक अडैप्टर मिलता है, जो कि अगर आप DSLR में यूज कर रहे हैं तो गाइस आपको जो 2.5mm का जैक है वो सीधा DSLR में लगाइए, और अगर आप स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं तो गाइस उसको जो अडैप्टर है उसे आप लगाइए, और फिर उसके बाद उसे मोबाइल के 3.5mm जैक में आप लगा सकते हैं। गाइस अगर बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो गाइस सबसे पहले अगर वायर को देखें तो गाइस वायर दोनों माइक्स की सेम है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। गाइस बात करें माइक की, तो गाइस दोनों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है। और गाइस अगर साइज की बात करूं तो बोया का साइज एज कम्पेयर टू कोडेक थोड़ा बड़ा है। तो गाइस ये जो साउंड आ रही है ये है बोया M1 माइक से। और गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम अपने चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन के अंदर पोल्स रखते रहते हैं, क्या बोलती पब्लिक के नाम से। गाइस उसमें हम आपसे सजेशन लेते हैं, वोट्स लेते हैं, और उसी के आधार पर आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस लेके आते हैं। तो मेक श्योर कम्युनिटी सेक्शन में जाइएगा, और पोल भी रखा हुआ है, जाके जरूर वोट दीजिएगा। गाइस ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये है कोडेक M11 माइक से, और गाइस ये भी प्रॉपर रॉ साउंड है विदाउट एनी एडिटिंग। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इस माइक की अनबॉक्सिंग देखनी है और सारे स्पेसिफिकेशन जानने हैं, तो इसके ऊपर भी हमने जबरदस्त वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। गाइस मैं आ चुका हूं आउटडोर, और गाइस ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये है गाइस बोया M1 माइक की। और गाइस हवा भी अच्छी चल रही है और नॉइज भी अच्छी हो रही है, तो गाइस मैं थोड़ी देर कीप क्वाइट हो जाता हूं छोटे बच्चों की तरह, और आप इसका नॉइज का अंदाजा लगा सकते हैं। गाइस ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये है कोडेक M11 माइक की, और गाइस ये भी प्रॉपर रॉ साउंड आप सुन रहे हैं। और गाइस दोबारा मैं छोटे बच्चों की तरह शांत हो जाता हूं, और गाइस आप इसके नॉइस कैंसिलेशन का स्पेकुलेशन कर सकते हैं। सो गाइस अगर बात कर लें वर्डिट की, तो गाइस दोनों ही माइक अपने अपनी जगह पर अच्छे हैं। अगर आपको अंडर 800 माइक खरीदना है तो गाइस ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बोया M1 का माइक खरीदें। बट गाइस अगर आप थोड़ा सा मनी एड ऑन कर सकते हैं, तो गाइस मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और उसके बाद मनी एड ऑन करके आप कोडेक M11 का माइक परचेज कीजिए। क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू बोया, और गाइस वीडियो क्रिएशन के टाइम जो भी बोया M1 से ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमें वीडियो क्रिएशन में, तो गाइस उससे आप बच सकते हो और अपनी वीडियोस को बेस्ट बना सकते हैं। सो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइस अगर आपको कोई सजेशन देना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू गाइस। हाउ हैवी इज दैट लाइट वर्क विद द बेस ऑन द ट्रैक ऑन माय फेस इन द बैक लाइक आई एम टेकिंग अ स्लैप आई नीड टू ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द टैप।